तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है। अच्छा चलिए, बड़ा चर्चा होता रहता है, अगर बात कर लिया जाए अभी हाल ही गठबंधन की, जिस तरह से आपने चर्चा छेड़ ही दिया है, तो गठबंधन में अब इंडिया में आ गए हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जो कभी पी पी के गाली देते थे और कहते थे कि तुझे योगी मोदी वहां भेज दूंगा जहां 20 की ट्रेनिंग दी जाए, और आज उन्हीं के संरक्षण में शपथ लेते हैं कि मैं मंत्री पद का शपथ लेता हूँ। तो क्या लगता है कि इस बार पियरका चाचा कुछ करेंगे? पियरका चाचा का कोई नाम लेता है तो उनको हंसी छूटती है, करेजा जुड़ा जाता है। एक होता नहीं है कि जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के बाद खुश होता है, ठीक उसी प्रकार ओम प्रकाश राजभर का कोई नाम लेता है तो मुझे बहुत तसल्ली मिलती है। वो क्या कहा करते थे कि अगर कोई पिछड़ा भाजपा में जाता है तो मोदी और योगी के जूते साफ करता है। क्या ओम प्रकाश राजभर जी क्या कर रहे हैं, एक सवाल है। दूसरा सवाल, वो कहा करते थे कि जहाँ भिखारियों की ट्रेनिंग दी जाती है मोदी योगी को वहां भेज देंगे, अब ये वहीं पहुंच गए हैं जहाँ ट्रेनिंग होती है, अब ये कहाँ जाएंगे? और इन्होंने अभी जल्दी में ही बयान दिया था कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन गया है, कोई एसपी डीएसपी ही नहीं पूछेगा, पियर का गमछा बांध के जाइए, आपके चेहरे पर ही ओम प्रकाश राजभर नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हीं का मंत्रिमंडल का लोग पीट दिया जाता है, तो साहब जो अपनी रक्षा नहीं कर पाता हो वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा क्या करेगा? हमारे गुरु जी कहा करते थे कि आत्मसम्मान, स्वाभिमान और संविधान तीनों की रक्षा करना स्वयं का दायित्व बनता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी तीनों को बेच चुके हैं भाजपा के हाथों से। अच्छा, अरे अब तो कमान इनके हाथ में आया है प्रभु, अब जब कमान हाथ में आएगा तभी तो काम करेंगे। मैं एक चीज बताऊं, बीजेपी वो पार्टी है जो लोगों को आम की तरह खाती है और गुठली की तरह फेंक देती है। अरे तो ओम प्रकाश राजभर ज्यादा खुश ना। ओम प्रकाश राजभर का पावर जानते हैं? पावर हम जानते हैं, पावर हम जानते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में सुनिए, ये आप गमछा देख रहे हैं ना, 15-20 रुपए का आता है, ऐसे बांधिएगा और थाने में पहुंच जाइएगा और एसपी डीएसपी से बोलिएगा कि आप किस, पूछेगा भी नहीं कि आप किसने बेचा है पियर का गमछा देखने के बाद में। आप उनसे सीधा बताइए कि हमारे आदमी को छोड़ो, अगर नहीं छोड़ता है तो बताओ कि पीला गमछा ओम प्रकाश राजभर ने भेजा है, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो फोन करेगा। सही बात है। अच्छा, कहने का अंदाज देखिएगा, अहंकार, अहंकार से तीन गए बल बुद्धि और वंश, उदाहरण के लिए देख लो रावण कौरव कंस। तो अहंकार साहब ज्यादा ठीक रही है, अहंकार तो तुरंत चकनाचूर हो गया, दूसरे दिन ही जोश जोश में चला गया और वहां पे होश खो बैठा। अच्छा, घोसी बड़ा चर्चा में रहती है और घोसी में उनके लड़के को सीट मिल गई, जीतेगा नहीं, जीतेगा नहीं, और बता दिए कि इस बार 400 से पार ला देंगे और हमारा लड़का पहला नंबर। घोसी में एक सीट, घोसी एक ही सीट है ना, 400 सीट तो ही है वहां पे, तो वहां पे 400 कैसे लेंगे? नहीं तो घोसी का जब जीतेंगे तभी तो 440,000 वोटों से ये हारेंगे कम से कम। और वहां पे तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अच्छा टक्कर करेगी। अच्छा, घोसी में क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली बार जब छोड़े थे तो घोसी में चुनाव हुआ था, उपचुनाव, उई चाचा का क्या हुआ पियर के चाचा का? पियर के चाचा कहीं ना रह गए ना, एक कहावत भी कही जाती है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अरे अब पहले कुछ नहीं था लेकिन अब तो कह रहे हैं कि क्या होता है कि अब मेरे हाथ में बागडोर आ गया है, मैं मंत्री बन गया हूं और तो मतलब जिता लेंगे, जबरदस्ती जिता लेंगे, और कहा जबरदस्ती जिता लेंगे जो भी कहे भैया, जबरदस्ती जिता लेंगे मतलब ईवीएम में धांधली। हाँ, ईवीएम में धांधली करेंगे। आपने देखा होगा कि बटन दबाओ साइकिल का कमल पे दब जाता है, बटन दबाओ पंजे का उस पे दब जाता है, ये कहीं ना कहीं बहुत डैमेज हो रहा है और जनता अब कह रही है, एक ही नारा सबका हो रहा है ईवीएम हटाओ, लेकिन भाजपा के लोग ईवीएम हटाने को तैयार नहीं है। वो जानता है कि जिस दिन ईवीएम हट गया उस दिन भारतीय जनता पार्टी इस देश से। अच्छा उदय जी, अगर बात कर लिया जाए ओम प्रकाश राजभर के बेटे को, तो क्या लगता है कि 2024 में कमल खिला पाएगा? कमल का जो जिस तरह से हाथ चल रहा है, हाथ पकड़ा हुआ है, कमल के साथ खिल पाएगा? किसी ने लिखा था कि कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, और बदल दीजिए इस तालाब के पानी को क्योंकि कमल के फूल अब मुरझाने लगे हैं। अच्छा, तो जितना भी झूठा था, जो कल तक भाजपा को गरियाता था, सब भाजपा में पहुंच गया, पानी पी के गरियाता था, अब तो पानी पिएगा नहीं, पानी खराब हो जाएगा, अगर पानी नदी का खराब हो गया तो कमल भी खराब। पूर्वांचल की अगर बात किया जाए तो शेर कहता है कि मैं पूर्वांचल में, अगर उत्तर प्रदेश की बात आती है तो पूर्वांचल में ओम प्रकाश के बाद ही कोई होगा, ओम प्रकाश जिसको चाहेंगे वही मंत्री, विधायक या फिर मुख्यमंत्री बन सकता है। तो मेरा ओम प्रकाश राजभर अगर मुझे सुन रहे हैं तो वही भेज दो जहाँ आपने एक कहा था कि भिखारियों का जहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है वहीं पे, अब मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री भी सब, तो भैया 80 सीट है हमारे उत्तर प्रदेश में, 80 की 80 अगर डैमेज हो जाती है तो भाजपा का दूर दूर तक सपना दूर हो जाएगा। अच्छा,
समझिए आप, तो मोदी जी को भी भेजने की तैयारी करते हैं, लेकिन मैं मोदी जी को नहीं जाने दूंगा। मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा, कि मोदी जी के जब तक थैलों की जांच नहीं होगी, वो कहते हैं ना फक्कर फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। 6,000 करोड़ जो निकला है भैया, जो भी इलेक्ट्रोल बोर्ड का आया है, इस पैसों का बिना हिसाब किताब दिए, प्रधानमंत्री फंड कोष से जितना पैसा है उसका भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब देश की जनता, देश की आवाम ऐसे जाने नहीं देगी। 2024 में अगर बात कर लिया जाए, अब ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि 2024 में 400 से पार हम लाएंगे, छाती एकदम ठोक ठोक के कह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर बिन पेंदी का लोटा, कभी यूं डोला तो कभी यूं डोला, कभी यूं डोला तो कभी यूं डोला, जहां देखी तौवा परात वहीं बिताई सारी रात। ओम प्रकाश राजभर की क्या ही बात। अरे बहुत अच्छा काम के, समाज के लोग अब बहुत खुश हैं, और लोग भी, ओबीएससी एसटी के लोग सभी लोग खुश हैं। उन्होंने मेरे तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के भाइयों के साथ में बहुत बड़ा छलावा किया है, धोखा दिया है, धोखे से वार किया है। कल तक जो संविधान की बात करता था, कल तक जो पूर्वांचल एक्सप्रेस, आगरा हाईवे और फलाना ढिमकाना गिनवाया करता था, आज उन्हीं के तलवे चाटने का काम कर रहा है ये साहब। कहीं ना कहीं सबसे गरीब का बेटा अगर देखा जाए तो वहाँ पे एक राजभर है, राजभर के बेटा को क्या होता है कि MLC बना दिए। अब देखिए, एक चीज मैं बता दूं आपको कि पत्रकार लोग कहते हैं सबसे गरीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं, सबसे गरीब ओम प्रकाश राजभर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट बदलते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी कितने का सूट और बूट बदलते हैं, ये बात पूछता है भारत और गोदी मीडिया पे थूकता है भारत। अच्छा, तो मतलब घोसी का चुनाव, इस बार घोसी का चुनाव फिर समाजवादी के साथ में जा रहा है। हाँ, ओम प्रकाश राजभर का क्या होगा इस बार? लुटिया गुल हो जाएगा। हाँ। कुएं में लोटा तो डालेंगे लेकिन पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि पानी सूख चुका है। वो कहते हैं कि छोटे छोटे दल बस भोगते रहते हैं, मेरे ही चैनल पर बोलते हैं कि छोटे छोटे दल भोगते हैं, कुछ करेंगे नहीं। और आप जैसे कि आपकी क्या औकात है? क्यों, राजभर की अंतरराष्ट्रीय पार्टी का भाई, वो छोटा दल नहीं है। अरे खुद ही कहते हैं छोटे छोटे दल भोगते रहते हैं, उनका कोई मतलब। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि अगर वो अंतरराष्ट्रीय पार्टी है, अगर वो BJP से बड़ी पार्टी है, कांग्रेस से बड़ी पार्टी है, तो वो अपने आप को बोल सकते हैं कि छोटा दल भूख रहा है? बोलता वो है जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। चापलूसी करना दलालों का काम है। माननीय काशीराम जी ने कहा था कि जिनको बचपन में चमचागिरी की लत लग जाती है, उनकी पूरी जवानी दलाली में गुजर जाती है। तो दलाली करो भैया, हमको कोई दिक्कत नहीं। मतलब ओम प्रकाश राजभर दलाल है भाई? ये तो माननीय काशीराम जी ने कहा था कि जिन्हें बचपन में चमचागिरी की लत लग जाती है, उनकी पूरी जवानी दलाली में गुजर जाती है। तो आज BJP में बैठ के मोदी नामा हल्फनामा पढ़ने का काम करते हैं। में आएंगे कि नहीं चुनाव में? जरूर आएंगे। अनुराग ओझा जरूर आएगा, पीला गमछा बांध के आएगा और बोलेगा कि SP साहब बताइए, अनुराग ओझा की शक्ल में ओम प्रकाश राजभर नजर आता है कि नहीं आता है? अच्छा, बताइए अनुराग ओझा भैया, किसान वाला गमछा रखेगा, बताओ किसान आता है कि नहीं आता है आपके हमारे चेहरे में नजर? किसान वो होता है जो बंजर भूमि का सीना चीर के उस पर फसल उगा देता है। अनुराग ओझा घोसी में आएगा और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देगा। अच्छा, चलिए भैया, अब आएंगे 2024 चल रहा है, 2024 के लास्ट में 1 तारीख को क्या होता है? अरे क्या परेशान हो भाई, 5 जून को मिलेंगे अनुराग ओझा आपको, कहोगे बनारस में, कहोगे दिल्ली में, कहोगे घोसी में, कहोगे भारत के किसी भी क्षेत्र में। ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, जहाँ कहोगे वहाँ आके मिलेंगे आपसे। हम मोदी जी की तरह थोड़ी है कि 50 दिन का समय दे दीजिए, अगर अच्छे दिन नहीं आए तो जिस चौराहे पर कहोगे उस चौराहे पर आएंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि 5 तारीख को आप जहाँ कहेंगे अनुराग ओझा वहाँ आएगा। चलिए, ओम प्रकाश के राजभर के लिए कितना बड़ा चैलेंज है तो वक्त बताएगा, लेकिन अनुराग ओझा जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर को कह रहे हैं कि नहीं, ओम प्रकाश राजभर है क्या, ये तो हकीकत आईना समय दिखाता है और बताता है। ओम प्रकाश राजभर को ऐसे लोग बताते हैं, ओम प्रकाश राजभर खुद कहते हैं कि लोग भोगते रहते हैं, भोगते रहेंगे, ओम प्रकाश राजभर एक दिन बन के दिखाएगा और बनेगा। देखिए, अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो उसे शिकारी नहीं कहते हैं। चश्मे का लाइसेंस, जो लेंस जो होता है, उसको इनको चेंज करवाना चाहिए और इनको देखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अभी जल्दी में ही मोदी जी वाला चश्मा पहन लिया है। उस चश्मे से इनको सब कुछ चंगा दिख रहा है, और वो चश्मा अगर उतार देंगे तो देश में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे इनको नजर आने लगेंगे। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाओं को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, संविधान को बदलने की 24 घंटा रणनीति बनाई जा रही है, ये सब मुद्दे उनको तभी दिखेंगे जब वो BJP का चश्मा उतारने का काम करेंगे। बिल्कुल। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। अब बने रहे वीडियो के साथ, मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।